Hey guys, welcome back. As you all know, various news outlets report कर रहे हैं about Qatar investors and also about US investors जो Chelsea के लिए भी bid कर चुके थे in the past. I'm talking about US investors here. But जो Qatar investors हैं या फिर जो Qatar investment group है, they are solidly linked and they are looking to bid for Manchester United in the near future. Maybe in the month of Feb, maybe in the month of March. बहुत जल्दी ये होने वाला है. And they're very confident there will be no conflict, no problem with Paris Saint-Germain's owner. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज विच इज वेरी गुड न्यूज फॉर अस मैन यूनाइटेड फैंस. टू बी ऑनेस्ट यार, मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है. इफ यू लुक एट द सिचुएशन राइट नाउ, आई थिंक आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, डाउन ही बोल दो, आई थिंक पोस्ट सर एलेक्स एरा वी हैव स्टूप्ड टू लो विद ओनली फ्यू अप्स. बट दिस सीजन एक टोटली डिफरेंट कहानी थी, एक डिफरेंट स्टोरी थी. बहुत अच्छी न्यूज निकल के आ रहे थे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीजन. बहुत अच्छे साइनिंग्स हमने किए इन द समर एंड आई थिंक इन द जनवरी ऑल्सो वी हैव डन अ गुड साइनिंग. एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, बोल सकते हो दिस नॉट द राइट टाइम, व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम टू बी अ मैन यूनाइटेड फैन. पूछे क्यों, बट एक क्वेश्चन आंसर करने से पहले या आंसर देने से पहले, आई वुड लव इफ यू गाइस प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन, पुश द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एज आई वाज सेइंग यार, पीएल में क्या हो रहा है, मतलब क्यों मैं खुश हूं इतना एज अ मैन यूनाइटेड फैन. अभी लुक एट चेल्सी राइट नाउ, लुक एट लिवरपूल राइट नाउ, एंड लुक एट मैन सिटी राइट नाउ विद देयर एफपीपी प्रॉब्लम्स, एंड लुक एट मैन यूनाइटेड राइट नाउ. इफ यू टॉक अबाउट मैन यूनाइटेड, a new breaking news is all over the blogs, all over the Twitter, all over the Facebook, all over YouTube. Here the Qatari firms are looking to buy Man United. I know bahut log sports washing ki baat karenge, I know bahut log oil merchants ki baat karenge, bolenge you were against oil owners, now you guys are talking on it. Bhai log, we changed our mind, isliye shant ho jao, baitho enjoy karo football, enjoy karne ke liye, political debates ke liye nahi hai. Right, so as per reports, there are a number of wealthy individuals from the oil-rich state of Qatar जो United के लिए bid करने का try कर रहे हैं. There is no deadline for this takeover, but sources suggest कि बहुत जल्द ही ये takeover होने की संभावना है. ठीक है, जैसे मैंने December में एक live में बताया था कि जो दुबई है, जो दुबई की company है ICD and ऊपर से और एक company from Qatar, that is Qatar Investment Companies, I don't know exactly, don't know the name, they are very serious टू बाय मैन यूनाइटेड. बट सर जिम रैटक्लिफ के बहुत ज़्यादा लिंक्स आ रहे थे. मैंने बहुत लोगों को बताया था कि यार सर जिम रैटक्लिफ इज अ होस, वो बिड नहीं करेंगे, ही विल ट्राई बट आई थिंक उनकी बस का नहीं था. बहुत लोगों ने इस चीज़ को डिसरिगार्ड किया था एंड बोला था कि सर जिम रैटक्लिफ एट द एंड ओनर्स होंगे. लाइक मैंने भी डिसरिगार्ड वो चीज़ को नहीं किया, बट आई सेड कि यार एक तो कतर हो गया या दुबई हो गया, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ फंड्स विद देम, दे हैव वेरी डीप पॉकेट्स, जो सर जिम रैटक्लिफ की बात बस की बात नहीं है. बट आई थिंक वो तब लोगों ने मुझे डिसरिगार्ड किया था, मुझे सीरियसली नहीं लिया था, बट आई थिंक नाउ आई विल बी टेकन सीरियसली. और मजे की बात यह है यार, दिस न्यू ओनर्स वांट टू प्रोवाइड एरिक टेन हैग विद अ ह्यूज वॉर चेस्ट टू टेक यूनाइटेड टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड फुटबॉल, जहां वी ऑलवेज बिलोंग्ड. टू बी ऑनेस्ट यार, इफ यू लुक एट मैन यूनाइटेड, व्हाट अ हिस्ट्री वी हैव यार, व्हाट अ हिस्ट्री वी हैव. सो देखो, इफ यू टॉक अबाउट दैट कॉन्फ्लिक्ट थिंग, मैंने स्टार्ट में वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया कि पीएसजी एंड मैन यूनाइटेड के जो नए ओनर्स होंगे उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी. इफ अगर वो दोनों भी ओनर्स कतार से हैं तो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होने की चांस ही नहीं, बिकॉज आई थिंक दे आर बोथ अ डिफरेंट एंटिटी, अ डिफरेंट फर्म्स. तो जो भी फंड्स होंगे वो इंडिविजुअल फंड्स होंगे, नॉट गवर्नमेंट फंड्स. तो आई थिंक यू नो दे आर सेपरेट फ्रॉम क्यूएसआई. जो अभी जो कतारी ओनर्स जो देख रहे हैं मैन यूनाइटेड को, दे आर सेपरेट फ्रॉम क्यूएसआई. तो श्योरली इट विल बी इंडिविजुअल फंड, नॉट अ गवर्नमेंट फंड. वेल ऑल्सो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी चल रही है अभी, जो एक्सपर्ट्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं इसके ऊपर बिहाफ ऑफ द स्टेक होल्डर्स. एंड इसके आगे जो भी न्यूज़ आएगी हमको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा इन नियर फ्यूचर की क्या होने वाला है. राइट, देर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस गोइंग इन दैट कतारी ग्रुप, कि वो बता रहे हैं कि देयर बिड विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड दे आर मेकिंग प्लान्स यू नो इन केस इट विंस दे विन द बिड. तो वो लोग प्लान्स अभी से बना रहे हैं फॉर मैन यूनाइटेड, अबाउट ओल्ड ट्रैफर्ड हो या फिर अबाउट ब्रिंगिंग न्यू प्लेयर्स हो, ऐसे सब प्लान्स चल रहे हैं. बट ये देखो, ये सब अभी तक बस र्यूमर्स है, देर इज नो क्या बोलते हैं उसको सॉलिड रिपोर्ट्स. आई एम जस्ट गोना वेट फॉर यू नो डेविड ऑर्स्टाइन, आई एम जस्ट गोना वेट फॉर फैब्रिजियो रोमानो टू टॉक अबाउट इट सो दैट वी गेट अ क्लियरर पिक्चर अबाउट इट. तो वी हैव टू जस्ट वेट एंड यू नो सी कि क्या होने वाला है इन फ्यूचर मे बी. बट आई एम सेइंग फेब्रवरी से मार्च के बीच में ही कुछ एक न्यूज़ ऐसे निकल के आएगी, तो हमको जस्ट वेट करना पड़ेगा. ये प्रॉपर चैनल से जब न्यूज़ आएगी तभी हमको इसको बिलीव कर सकते हैं. तब तक हम लोग बस इसको लाइक क्या बोलते हैं इसको यू नो हैज ए र्यूमर ही इसको लेना चाहिए. तो दिस आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू नीड टू लुक एट. द फर्स्ट थिंग है, ए ग्रुप ऑफ प्राइवेट हाई वेल्थ इंडिविजुअल्स बेस्ड इन कतार, जिसने कतार वर्ल्ड कप को
होस्ट करने के लिए कतार की बहुत मदद की थी, उन्होंने मैन यूनाइटेड पे अपनी नबी नजर गाड़ रखी है एंड दे फील दैट मैन यूनाइटेड जो है वो फुटबॉल का क्राउन जुअल है, वो जो बात तो सच है। एंड सेकंड चीज ये है कि यार कतारी जो इन्वेस्टर्स है राइट नाउ दे आर ट्राइंग टू बाय मैन यूनाइटेड इन कमिंग डेज, यानी मिड फेब में भी हो सकती है ये बिड या एंड ऑफ द फेब हो सकती है ये बिड। थर्ड पॉइंट ये है कि कतारी इन्वेस्टर जो है वो मेगा मनी स्वूप करेंगे फॉर यूनाइटेड एंड दे आर रेडी टू बैक एल्टन हैग विद ऑल द फाइनेंशियल बैकिंग टू लीड द क्लब बैक टू द टॉप। सो यू नो these are all the good news which are coming out of this meeting. There will, I hope, whatever happens, we get new owners before the summer window. So we bring in the right players जो Erik ten Hag के system में ठीक से perform करेंगे and United के dynamics को पूरा change कर देंगे. Surely अभी जो United के dynamics बहुत ही तगड़े हैं, but I think from if you bring in the right players, दो तीन अच्छे player लाने के बाद ये Man United can be one of the best teams in Europe. And I think that was it for today. आगे भी ऐसे content आते रहेगा about Man United. तो जरूर 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 once more I'm saying कि subscribe करना, like करना, share करना, comment करना, because इससे क्या होगा ये content और भी और लोगों को suggest होता रहेगा and it will help me and help you all. So I keep on bringing more content like this for you. So until next time, GGMU.